सारी उनकी ड्रामेबाजी है ना, आपको नहीं पता। वो फेम हासिल करने के लिए तो अपना आप बेच देते हैं, हम अपना आप बेचते नहीं है। अच्छा। हमारी रिस्पेक्ट जोन सी होती है वो लॉयल होती है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। हम लॉयल लोग हैं। मेरी बात सुने, अपनी रिस्पेक्ट के लिए लोगों को रुलाते नहीं है। मेरी बात सुने, रिस्पेक्ट दुनिया का हर बंदा करता है, हम लोग झुकते नहीं है, हम लोग झुकने वालों में से नहीं है। उन्होंने कम बैक किया ना, मैं कहता हूँ कोई टीम नहीं कर सकती, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया भी नहीं कर सकती थी। जब रोहित शर्मा की कैप्टनसी बहुत कमाल है, मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर वन है। जैसे उन्होंने जसप्रीत बुमराह को भेजा के हम जाके विकेट लें, तो उसने आते दूसरी बॉल पे उसने विकेट ली, कमाल कर दिया उसने। अच्छा। तो अगर जो चीज़ अच्छी क्रिकेट चल रही है तो हमें उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए, बिला वजह इल्ज़ाम लगाना चाहिए कि ये फिक्स करवाते हैं, नहीं करवाते, अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं। मैम पहली बात तो ये है कि ये जो हमारी पाकिस्तानी टीम है ना, क्या कोई भी सुन रहा हो, ठीक है, माजरत, ठीक है, ये हमारी टीम जो है ये फारिग टीम है। अच्छा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारी जी वाम देखती है ये मैच, उनमें जो 70% उनकी यही सोच होती है कि ये टीम हार जानी है, और जो 30% होती है उनकी सोच होती है ये जीतनी है। जो 30% जिनकी सोच होती जीतनी है, उन्होंने मैम इस पे वो जुआ शुआ लगाया होता है, वो क्या कहते हैं, पैसे वैसे लगाते हैं वो पैसों के लिए, अदरवाइज़ हमारे पाकिस्तान के जो 70% वाम है वो लाइक नहीं करती। इंडियन की बात है तो उन्होंने, आपको भी सबको पता है कैसे खेला है, एक मैच भी नहीं हारे वो, और दूसरा ऐसी रिस्पेक्ट वो डिज़र्व करते हैं, और जो उनके क्राउड लविंग थी तो वो तो डेफिनेटली हम सब ने देखा है, और वो वेल डिज़र्विंग थी, स्पेशली विराट एंड रोहित, हैट्स ऑफ टू देम। ये विराट और रोहित का हर कोई नाम क्यों लेता है बताए? बिकॉज दे आर करंटली किंग यार, डेफिनेटली यार उनका नाम हर कोई क्यों ना ले? ले पाकिस्तान के बंदों को अच्छा समझते ही नहीं है ये बाहर के मुल्क वाले, क्योंकि इस्लाम एक बहुत बड़ी ताकत है जिनको समझने वाले अभी पैदा ही नहीं हुए। इस्लाम पर बात नहीं हो रही अभी, सिर्फ मैच पर ना। हाँ। मुसलमान है ना, हिंदू कौम जो मर्जी कर लो, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है। अच्छा। ये आप चीज मानती हो। हाँ। लेकिन इस्लाम मुसलमानों को ये लोग कभी ऊंचा करते नहीं है। अच्छा। इसीलिए मुसलमान नीचे हुए में है। हाँ जी, हमारा पाकिस्तान मुल्क तरक्की नहीं कर सका, काफिर लोबी की कमी है, काफिर में किस चीज की कमी है। मैं कहता हूँ वो जो मुकाम पैदा कर गया ना, कोई प्लेयर नहीं कर सकता। विराट कोहली, रोहित शर्मा बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है मेरे लिए। विराट कोहली ने पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं दी, आखिरी मैच में उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हमारे खिलाफ भी हमेशा चलता है, परफॉर्मेंस देता है, तो उनके रिटायरमेंट में बनता है उनका इमोशनल होना, हम खुद इमोशनल हुए हैं उनकी रिटायरमेंट में। क्या हो गया, अच्छे देखने को मिलते हैं ना इस तरह के, अब उनके अलावा कौन प्लेयर है जो हमें देखने को, वो परफॉर्मेंस करते हैं, हमें भी खुशी होती है। अच्छा, आपको दुख हुआ उनकी रिटायरमेंट? काफी दुख हुआ है, दोनों मुझे फेवरेट है मेरे दोनों। अच्छा, फेवरेट है। बाबर आजम को साथ कंपेयर करूँ क्योंकि बाबर अभी नया है, विराट थोड़ा सा उससे पहले, और विराट ने तेंदुलकर की तरह आकर ना क्लास इंट्रोड्यूस करवाई है। अच्छा। और बेसिकली जो क्लास इंट्रोड्यूस करवाएगा तो वही बेसिकली नाम कमाएगा। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान जीती थी, मुझे याद है सरफराज के घर के बाहर इतना रश था, वो भी देखा जाता है, तो डेफिनेटली हम कंपेयर कर सकते हैं, और उनकी आबादी भी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो एक रिलीजन तो लगता ही है, जैसे उनका किसी भी इवेंट के ऊपर हो तो उनकी गैदरिंग देखा जाए तो फिर वैसे ही क्रिकेट लवर तो हैं, हम भी हैं, और हमने भी चैंपियन ट्रॉफी में दिखाया था जब हम फाइनल जीते थे, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, उन्होंने भी दिखाया अपना क्राउड ने लव किया क्रिकेट को कि उन्होंने जीता है। हमारे प्लेयर्स को रिस्पेक्ट तो दी जाती है दूसरे मुल्कों में, लेकिन हमारे जो उनसे खिलाड़ी हैं वो बिक जाते हैं, अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं करवाते। हम जाते इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, कैसे? ऐसे खिलाड़ी दुनिया में नहीं आपको मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल वसीम अकरम जैसा कोई नहीं। हमारे खिलाड़ी जाके उनको कोच करते हैं। किनको? ये बाहर के मुल्क के सारे खिलाड़ियों को। किसको किया कोच? जैसे आप लगा लें साउथ अफ्रीका है, सारे हमारे वो जो उनसे हैं क्या नाम लेते हैं, साउथ अफ्रीका की कोचिंग किसने की है जरा बताएं? वो नहीं मुझे पता, लेकिन पता था नाम, मुझे पता है, लेकिन मेरे अभी माइंड में नहीं है क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं होके आई ना। वसीम अकरम ने किस कंट्री की कोचिंग की है? किसकी की है? आपको बताओ ना, आपने मुझे कहा है नहीं, मेरी कोचिंग हमारे खिलाड़ियों को बुलाते हैं,
वो जो जिसका जैसे वो छोटा कद था जिसका, उसने भी की थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था। आप यकीन करें, हमारे विराट कोहली एक तो गुड लुकिंग बहुत है, ऊपर से जो उसकी परफॉर्मेंस है मैं कहता हूँ क्या बात है। और रोहित शर्मा है, वो जिस तरह का तेज़ खेलता है ना, ऐसी क्रिकेट तो होती है जो तेज़ खेलने में मज़ा आता है, तो वो तेज़ खेलता है इसलिए वो भी पसंद है। और विराट कोहली हमेशा प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो डेफिनेटली डिसार्ड तो बंदा होता है। इसी तरह अफरीदी भी जब रिटायर हुआ था तो मुझे याद है तब मैं तकरीबन 12-13 साल का था, तो डिसार्ड मैं भी हुआ था। तो इसी तरह करंट जो जो किंग जा रहा है तो डिसार्ड बंदा होता है। मुकेश अंबानी के बाद छोड़े, हम खुद डिसार्ड हैं विराट कोहली के रिटायरमेंट भाई किंग है डेफिनेटली बाबर के साथ, कंपेयर फिर भी बाबर को करूँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। रिसेंटली T20 मेंस वर्ल्ड कप में शानदार फतह हासिल की इंडियन प्लेयर्स ने, ट्रॉफी गई इंडिया के घर। उसके बाद इंडियन प्लेयर्स का बड़ा ज़बरदस्त ग्रैंड वेलकम किया गया, एयरपोर्ट पर भी, सड़कों पर भी, लगभग 20-25 लाख लोग सड़कों पर निकल आए थे अपने खिलाड़ियों के शानदार स्वागत के लिए। अभी एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, आनंद अंबानी की शादी पर कैप्टन रोहित शर्मा को भी न्योता दिया गया था, उनको भी बुलाया गया था। नीता अंबानी ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से स्टेज पर बुलाया रोहित शर्मा को और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि इस प्लेयर ने, हमारे कप्तान ने इंडिया का नाम कितना आगे पहुंचाया है और कितना नाम रोशन किया है। वहाँ खड़ी हुई ऑडियंस भी तमाम के तमाम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। इस वीडियो को लेकर चलते हैं, पाकिस्तानी आवाम की तरफ दिखाते हैं, बताते हैं कि इंडियन ऑडियंस, इंडिया अपने प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रेज करते हैं, उनके रिस्पेक्ट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। इस बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है, क्या इंडियन प्लेयर्स वाकई में अप्रिसिएशन डिज़र्व करते हैं या नहीं, पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में क्या राय है, आए बढ़ते आवाम की तरफ रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। मैम पहली बात तो ये है कि ये जो हमारी पाकिस्तानी टीम है ना, क्या कोई भी सुन रहा हो, ठीक है, माजरत, ठीक है, ये हमारी टीम जो ये फारिग टीम है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारी जी वाम देखती है ये मैच, उनमें जो 70% उनकी यही सोच होती है कि ये टीम हार जानी है, और जो 30% होती है उनकी सोच होती है ये जीतनी है। जो 30% जिनकी सोच होती जीतनी है, उन्होंने मैम इस पे वो जुआ शुआ लगाया होता है, वो क्या कहते हैं, पैसे वैसे लगाते हैं वो पैसों के लिए, अदरवाइज़ हमारे पाकिस्तान के जो 70% वाम है वो लाइक नहीं करती। अच्छा। जी सर, ऐसा क्यों है, जो अदर कंट्रीज है वहाँ पर प्लेयर्स को काफी सराहा जाता है और हमारी कंट्री में अब सबको पता लग गया है, हर किसी के मुंह पर यही होता है, जबान पर यही होता है कि ना तो हारना ही है, हारना ही है, हारना ही है। मैम मुझे बताएं, अगर 20 या 30 मैच खेलते हैं उनमें दो जीत लेते हैं और 80 फर्ज करें दो जीत लेते हैं, बकाया हार जाते हैं, वो खिलाड़ी तो नहीं गिने जाते ना, खिलाड़ी नहीं है ये, नहीं खिलाड़ी नहीं है, इंडियन प्लेयर्स पैसों के पुजारी हैं। अच्छा, इंडियन, हाँ 45-45 लाख सैलरियाँ लेते हैं, PCB के खर्चे पर पलते हैं, अभी जीत कर नहीं आएंगे तो फिर यही टाइटल लेंगे, इंडियन प्लेयर्स के बारे में सर क्या कहेंगे? मैम पहली बात ये, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, अदरवाइज हमें तो अपने पाकिस्तान के जो प्लेयर उनके बारे में जो बातचीत है करनी चाहिए, ठीक है, वो उनकी अपनी कंट्री है, वो उनका वेलकम करते हैं कैसे करते हैं वो एक लहदा बात है, हम वो डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, ज़ाहरी बात है अगर वो जीत के आएंगे तो आप भी जो जीतेगा उसी को आप भी एक्सेप्ट करेंगे ना, ठीक है, अगर हमारे घर में दो बेटे हैं जो जीतता है उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो हार जाएगा उसको नहीं, हम करते ये उसको समझाएंगे ज़रूर, ज़ाहरी बात है उन्हें दूसरों की तरफ से सोच के नसीहत लेनी चाहिए कि इस दफ़ा हम आ रहे हैं, नेक्स्ट अगली दफ़ा हम मेहनत करें और जीतेंगे। थैंक यू सर। ओके, हमारे प्लेयर्स को रिस्पेक्ट तो दी जाती है दूसरे मुल्कों में, लेकिन हमारे जो उनसे खिलाड़ी हैं वो बिक जाते हैं, अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं करवाते, हम जाते इतने अच्छे खिलाड़ी है। खिलाड़ी हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, कैसे? ऐसे ऐसे खिलाड़ी दुनिया में नहीं आपको मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इमरान खान। अच्छा, इमरान खान जैसा कोई नहीं, वसीम अकरम जैसा कोई नहीं। अच्छा। हमारे खिलाड़ी जाके उनको कोच करते हैं। अच्छा, किनको? ये बाहर के मुल्क के सारे खिलाड़ियों को। अच्छा, किसको किया है कोच? जैसे आप लगा लें साउथ अफ्रीका है, सारे हमारे वो जो उनसे हैं क्या नाम लेते हैं, साउथ अफ्रीका की कोचिंग किसने की है जरा बताएं? वो नहीं मुझे पता, लेकिन पता था नाम, मुझे पता है लेकिन मेरे अभी माइंड में नहीं है क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं होके आई ना। वसीम अकरम ने किस कंट्री की कोचिंग की है? किसकी की है आपको बताओ ना, आपने मुझे कहा है
नहीं, मेरी कोचिंग हमारे खिलाड़ियों को बुलाते हैं, वो जो जिसका जैसे वो छोटा कत्ता जिसका, उसने भी की थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था। आप यकीन करें हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर बिके ना तो, वो तो लास्ट भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो जब ये वहाँ बिक जाती है। बाकी टीम से तो जीती है ना हमारी टीम, लेकिन इंडिया और अमेरिका से हार गई, बड़ी बड़ी टीम से हार जाते हैं। आपको तो पता है अमेरिका ने क्या करवाया, उन्होंने तो हमारे वजीर आजम को एक दिन में हटा दिया। अच्छा। जो सही बंदा होगा ना, जो बिल्कुल सच की बात करेगा, अच्छा, वो हट जाएगा। इंडिया से क्यों हार गए? इंडिया से इसलिए हार गए कि क्यों, आपको पता नहीं मोदी क्या करेगा? फिर क्या करेगा वो, आपको पता है? मुझे नहीं पता, आप बताए। नहीं नहीं, आपको पता है, आपको सब पता है। जो न्यूज कास्टरों को पता है ना, वो हम लोगों को भी नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता, इनको पता है। मुझे सच में नहीं पता कि उनके वजीर आजम से क्या कर रहा है। झूठ है कि आप लोगों को नहीं पता? आप लोगों को पता भी हो तो आप हक की बात नहीं करते। आप हक की बात करो, मुझे बता नहीं देते। आपके न्यूज चैनलों में ताले लग जाते हैं। मेरा तो यूट्यूब चैनल है, मेरा न्यूज चैनल थोड़ी है। अच्छा करे यूट्यूब है, अगर न्यूज चैनल होता तो आपका भी लॉक लगा देना। बताए क्या एक्शन होना था वहाँ से, अगर हम इंडिया के अगेंस्ट जीत जाते? जीत जाते तो फिर आपको कोई ना कोई हेलीकॉप्टर आता और जरूर बमबारी होती। इंडिया के हेलीकॉप्टर को यहाँ से गुजरने की इजाजत नहीं है। वो आपको पता नहीं, इजाजत नहीं ले तो फिर इजाजत ही इजाजत है। अच्छा, इंडियन प्लेयर्स रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, लग गए हैं दो दिन उन्होंने मैच दी है, अब टैक्स लग गए हैं, अब टैक्स जोन से हैं वो आज से लग गए हैं, तो फिर कल से आपकी चाची मेरी बात सुने, थोड़ा सा होला रहे, मेरी बात सुने, मेरा सवाल सुन ले। मैं कह रही हूँ जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, क्या वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं? जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ के बिलियनियर्स हैं, दुनिया में नाम है नीता अंबानी, वो रोने लग गई थी उनको स्टेज पर बुलाकर, तो क्या वो वाकई सारी उनकी ड्रामेबाजी है ना? आपको नहीं पता, वो फेम हासिल करने के लिए तो अपना आप बेच देते हैं। हम अपना आप बेचते नहीं है, हमारी रिस्पेक्ट जोन सी होती है वो लॉयल होती है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा। हम लॉयल लोग हैं। मेरी बात सुने, हम अपनी रिस्पेक्ट के लिए लोगों को रुलाते नहीं है। मेरी बात सुने, रिस्पेक्ट दुनिया का हर बंदा करता है, हम लोग झुकते नहीं है, हम लोग झुकने वालों में से नहीं है। मेरी बात सुने, रिस्पेक्ट करवा लेता है। मेरी बात सुने, क्या मोदी झुका, हमारा वजीर आजम झुका, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखती रही। जज्बाती ना हो, सुने मेरी बात सुने, फैक्ट्स पर बात करते हैं। हमारी टीम ट्रॉफी लेकर हो, अब नहीं होना तो कब होना है? पूरा मुल्क बेच के जज्बाती होना है? वो चला गया लंदन पैसा चला गया, तो टैक्स लग गए हैं। सुन तो ले, अब तो जज्बाती हो जाए, कुछ तो जज्बात निकाले। मैं तो जज्बात निकाल के पागल हो जाऊंगी यहाँ पर आवाम को समझा कर। हमारे जो कार्ड थे, मेडिकल कार्ड भी इन्होंने ख़त्म कर दिए, हमारा पैसा सारा हमारे निकाल लिया आईडी कार्ड से, जो हमें थोड़ा सा रिलीफ दिया था इन्होंने, वो भी ख़त्म कर दिया। दुख समझिए, मेरी बात सुन ले, अब मुझे दुख नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, हमारे पे अल्लाह पाक की रहमत है। सुन तो ले, हमें दुखी करे ही ना। बात तो सुन ले, हमारे अगर प्लेयर्स ट्रॉफी लेकर आते आपके सामने होते तो आपको अच्छा ना लगता? हमारे प्लेयर्स ट्रॉफी लेके ही ना आते, क्योंकि उन्होंने लानी ही नहीं थी, वो ले आते थे, अगर ले आते कहाँ से लानी थी? अगर ले आते, ये तो झूठ है। देखिए, उन्होंने अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट की, वो इमोशनल हो गए कि हमारे मुल्क का नाम कितना बना रहे हैं, तो इमोशनल होना बनता नहीं। बात सुने, जब अब यकीन करें कितना जबरदस्त सारा पीसीबी का सारा हो गया था निजाम, डिसिप्लिन उन्होंने इतना जबरदस्त बना दिया, तब भी हम जीते तो नहीं थे? जीते नहीं थे, लेकिन हम बिके भी नहीं थे। आपको कैसे पता? मुझे पता, लेकिन तब जीते नहीं थे, अभी भी हम जीते नहीं। की थी हमने 2020 में जीते थे। अच्छा। 2020 में जीते थे। अच्छा। हाँ जी, आपको पता नहीं है, पिछले साल की बात है। पिछले साल की बात है, तो पिछले साल आपको पता है कौन था? अच्छा। इस दफा वो बेचारे जीत भी जाते ना, तो उनको कोई प्रमोट नहीं करता। मेरी बात तो सुन ले, पाकिस्तान के बंदों को अच्छा समझते ही नहीं है ये बाहर के मुल्क वाले, क्योंकि इस्लाम एक बहुत बड़ी ताकत है, जिनको समझने वाले अभी पैदा ही नहीं हुए। इस्लाम पर बात नहीं हो रही अभी, सिर्फ मैच पर। मुसलमान है ना, हिंदू कौम जो मर्जी कर लो, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है। अच्छा। ये आप चीज मानती हो। हाँ। लेकिन इस्लाम मुसलमानों को ये लोग कभी ऊंचा करते नहीं है। अच्छा। इसीलिए मुसलमान नीचे हुए में है। हाँ जी, हमारा पाकिस्तान मुल्क तरक्की नहीं कर सका। अच्छा, तो ये काफिर लोबी की कमी है। काफिर लोबी में किस चीज की कमी है? काफिर लोबी है ये। कौन
ये काफर तो है, मैं ये बात नहीं कर रही आपको, काफरों को ज्यादा करना पड़ता है। बात सुने, हद हो गई है, जरा आंखें खोलें, अपने आंखों पर से पट्टी हटाएं। जो जितनी मेहनत करता है उतना फल पाता है। आज आप जिनको काफिर 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 कौम कह रहे हो, उनकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी तो हम हाथों में लेकर घूमते हैं। हमारी गलती है ना, चाइना ये टेक्नोलॉजी लेता है, चाइना ने अपने बलबूते पे चला ना, तो चला ना, तो काफिर है। हम लोग खुद तिजारत कर रहे हैं उन लोगों के साथ, खुद तिजारत कर रहे हैं। क्या गलत है तिजारत करने में? मैं आपको नहीं कह रही कि वो गलत है। तो क्या गलत है तिजारत करने में? हम लोग तिजारत बंद कर दें, वो सड़क पे आ जाएंगे, एक नमक ही ना दो उनको बस। हमारा नमक नहीं लेते, टगे का टगा नमक नहीं लेते, नमक ही लेते हैं, हमारा नहीं, हमारी सब्जी जाती है, हमारी सब चीजें जाती है उनको। आटा आप क्यों बाहर से लेते हैं? इसलिए कि हमारा आटा जो सब बाहर के मुल्क जा रहा है, हमारा आटा पाकिस्तानी आटा, पाकिस्तानी। आप सुने सुने मेरी बात, सुने मेरी बात, सुने आप उनसे तिजारत बंद कर दे, अपने मुल्क में रखे तो पाकिस्तान करोड़पति हो। तो सुन ले, आप सुनना ही नहीं चाह रही, आप अगर सुनोगे नहीं तो मैं बोलूंगी कैसे। देखें, आप तिजारत बंद कर देंगे, आप तो घोड़ों के जमाने पे आ जाएंगे। आप उनकी देखें, ये ऑरेंज लाइन है ना, ये चाइना ने बनाई है, ठीक है, यहाँ की सड़कें चाइना ने बनाई है ना। हम लोगों को हमारा साथ देता है, वो काफिर नहीं है। मेरी बात सुने, लेकिन वैसा नहीं है जैसे ये हिंदू लोगों के लिए, मुसलमान के लिए बहुत दिल में बदी है। ये आपको पता ही नहीं है भाई, मेरी बात के मुसलमानों से पूछें जो बेचारे रह रहे हैं, कहां के? जो हिंदुस्तान में रहते हैं। अच्छा, मैंने हिंदुस्तान के मेरा टॉपिक मैच था। तो मेरी बात सुने, मैच का टॉपिक ले ले, जिस चीज का टॉपिक ले ले, काफिर आएगा बीच में। मेरी बात सुने, काफिर नहीं आएगा, ये हम लोगों को उबरने देते ही नहीं है। कौन नहीं उबरने देते? ये कोई भी मुल्क, हिंदू, हमारे मुल्क को देख ही नहीं सकता। सऊदीया कैसे ऊपर आ गया? सऊदीया तो आपसे बड़ा मुसलमान है, सऊदीया में तो लोग हज उमरा करने जाते हैं, आज सऊदीया आपसे आगे क्यों आ गया? उनकी इज्जत कैसे हो गई बताएं अब? क्योंकि वो लोग तो बिजनेस ही करते हैं, उनका तो बिजनेस बनाया, तो उन्होंने हज को भी बिजनेस बना लिया, फिर उन्होंने तो उमरे को भी बिजनेस बना, तो ये आप देख नहीं रही कि वो बिजनेस कर रहे हैं? तो आप भी कर ले बिजनेस। हम किस चीज का बिजनेस करें? तो आप नहीं कर रहे तो अपनी गलती माने, हमारे काम को कोई नहीं सराहता, फिर अपनी गलती माने ना। काम को आप अकेले मुस्लिम कंट्री नहीं हो, दुनिया में भरी पड़ी है और उन सब की इज्जत है, ये बात मानने वाली है। मेरी बात सुने, इज्जत तो हमारी भी माशाल्लाह बहुत है, लेकिन हमारे हमारे मेरे साथ क्रिकेट पर बात करें ना, मेरा ये टॉपिक ही नहीं है, मैं क्यों बात करूं इस पर? मेरी बात सुने, आप इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, क्रिकेट ले लो, हमारी तिजारत ले लो, कुछ कर लो, हमारे तन जरा सा, हम थोड़ा सा ऊपर आप चाहते हो तो वो आ जाओ, आप चाहते हो खुद, आप तो अपनी गलती नहीं मानते। आप कहते हो ये फलाना काफिर, ये फलाना यहूदी, ये फलाना काफिर, ये फलाना यहूदी, आप तो फिरके में पड़े हुए हो, आप तो फिरके में पड़े हुए हो। मेरा टॉपिक ये नहीं है, मेरा टॉपिक एक ही है, हमारे साथ इंसाफ नहीं होता। अच्छा, वो नहीं होता, ठीक है, आप ये मानती है ना? ठीक है, एक शहरी के, ठीक है, तो फिर बताएं क्रिकेट वगैरह के इनका होल्ड है कि ये अपने साथ इंसाफ होने दें? आप बताएं, इसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा? आप बताएं ना, हमारी जेब का पैसा 45-45 लाख क्रिकेटर्स को मिलता है, पीसीबी उनको पालती है, अभी उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा? तो वो यही तो होता है, वो बाद में उनको बेचारों को, बेचारे वो बिक जाते हैं और क्या करते हैं। तो वर्ल्ड क्लास के प्लेयर है, दुनिया डॉलर लेकर खड़ी होती है। पति ऐसी है, आप कुछ समझे, आप समझदार हैं, आपको सुस्त हो जाता है, अच्छा भला चलता हुआ। सुने सुने, ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। इंडियन प्लेयर्स कैसा खेलते हैं? इंडियन प्लेयर्स को स्पोर्ट है, वो चाहते हैं सिर्फ जीतना, वो हार नहीं चाहते। ये जीतने पे लगाएं पैसा, ये हारने पे पैसा मत लगाएं, हमारे हारने पे पैसा मत लगाएं, जीतने पे लगाएं। उनके सियासतदान जीतने पे पैसा लगाते, हारने पे नहीं लगाते, ये बात है। थैंक यू जी, बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं। जैसा अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ है, वो अनबीटेबल टीम रही है, हर मैच वो जीते हैं। हमसे जैसा उन्होंने कमबैक किया ना, मैं कहता हूँ कोई टीम नहीं कर सकती, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया भी नहीं कर सकती थी। जब रोहित शर्मा की कैप्टनसी बहुत कमाल है, मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर वन है। जैसे उन्होंने जसप्रीत बुमराह को भेजा कि हम जाके विकेट लें, तो उसने आते दूसरी बॉल पर उसने विकेट ली, कमाल कर दिया उसने। तो अगर जो चीज़ अच्छी क्रिकेट चल रही है तो हमें उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए, बिला वजह इल्ज़ाम लगाना चाहिए कि ये फिक्स करवाते हैं, नहीं करवाते हैं, अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं। वो ऐसे नहीं, पूरे वर्ल्ड में चैंपियन, इस वक्त नंबर वन टीम टेस्ट की भी है, ओडीआई भी है, टी20 वर्ल्ड कप भी है, सब में नंबर वन जा रही है, तो रिस्पेक्ट बनती है।
इंडिया की आवाम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी और इतना सराहते हैं वो अपने क्रिकेटर्स को, उनके लिए क्रिकेट उनका रिलीजन हो जैसे, क्या बोलते हैं आप इस बारे में? हमारे लिए भी तो ऐसा ही है, हम भी जब हमारी क्रिकेट होती है हम भी कहते हैं कि जीते जीते जीते, वो हमारी टीम पता नहीं बीच में वो कर जाती, चौक कर जाती है, उनकी टीम नहीं करती, उनकी टीम पिछले वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हुआ था, 8% उनके चांस थे, हमारे थे 92%, उन्होंने फिर भी जीता, हमारी टीम हमेशा चौक कर जाती है। हम अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी में जैसे हमने कहा था तब हमने कितना जश्न मनाया था, अब वो दिन पता नहीं किधर देखने को ही नहीं मिल रहे। अच्छा, तो अभी तो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, उससे पहले हमारे प्लेयर्स गद्दों पर मैट्रेसेस पर जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या ये प्लेयर्स रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं आवाम की? अभी जैसी परफॉर्मेंस है अभी फिलहाल तो नहीं करते, गद्दे में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तो ऐसी कौन प्रैक्टिस करता है, वो पिछले T20 वर्ल्ड कप में पत्थर वगैरह उठा के प्रैक्टिस कर रहे थे, ये क्या बात हुई? इंडिया देखें कैसे वो जिम वगैरह जा रही हैं, ये तो इनकी तो कोई प्रैक्टिस ही नहीं है। रिस्पेक्ट डिजर्व तब भी करेंगे जब कम बैक करेंगे अपना चैंपियंस ट्रॉफी में, अगर नहीं कम बैक करते तो फिर क्रिकेट ही छोड़ देंगे। इंडिया के बाद तो कोई मैच सही तरह देखा ही नहीं पाकिस्तान का, अब फिर हम उम्मीद लेके आ गए हैं कि शायद इस बार कुछ कर जाएं, अब भी ना करेंगे तो हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, मैं इंडियन आवाम की बात कर रही थी, देखिए मुकेश अंबानी छोटा नाम नहीं है, ठीक है, उनके बेटे की शादी और नीता अंबानी इमोशनल हो गई काफ़ी ज़्यादा, तो उनकी आवाम जितना सपोर्ट अपने प्लेयर्स को करती है, जितनी रिस्पेक्ट करती है, उनके आवाम के बारे में आप क्या कहते हैं? उनके आवाम के बारे में यही कहूँगा कि वो सही रिस्पेक्ट करती हैं, उनको इज्जत भी वैसी मिलती है, हमारे से मैच हो वर्ल्ड कप हो, हमेशा उनकी टीम उनको जिताती है, सपोर्ट करवाती है, उनको निराश नहीं होने देती। अच्छा, निराश क्या बात है तो ऐसा ही है, अगर हमारी टीम भी ऐसा करेगी हम भी रिस्पेक्ट करेंगे। अच्छा। तो उनका रिस्पेक्ट बनता भी है। हाँ। अभी तो वो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, लेकिन वो एक अपना इमेज कैसा बना कर गए हैं, कितना नाम पैदा करके गए हैं दुनिया में? मैं कहता हूँ वो जो मुकाम पैदा कर गया ना कोई प्लेयर नहीं कर सकता, विराट कोहली रोहित शर्मा बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है मेरे लिए। विराट कोहली ने पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं दी, आखिरी मैच में उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हमारे खिलाफ भी हमेशा चलता है परफॉर्मेंस देता है, तो उनके रिटायरमेंट में बनता है उनका इमोशनल होना, हम खुद इमोशनल हो गए उनकी रिटायरमेंट में। क्या हो गया, अच्छे देखने को मिलते हैं ना इस तरह के, अब उनके अलावा कौन प्लेयर है जो हमें देखने को, वो परफॉर्मेंस करते हैं हमें भी खुशी होती है। अच्छा, आपको दुख हुआ उनकी रिटायरमेंट? काफी दुख हुआ है, दोनों मुझे फेवरेट है मेरे दोनों। अच्छा, फेवरेट है, क्यों, कैसे फेवरेट है, मतलब आपको कौन सी अदा है जो उनकी पसंद आ गई? विराट कोहली एक तो गुड लुकिंग बहुत है, ऊपर से जो उसकी परफॉर्मेंस है मैं कहता हूँ क्या बात है। और रोहित शर्मा है वो जिस तरह का तेज खेलता है ना, ऐसी क्रिकेट होती है जो तेज खेलने में मजा आता है, तो वो तेज खेलता है इसलिए वो भी पसंद है। और विराट कोहली हमेशा प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करता है, हमारा बाबर आजम प्रेशर सिचुएशन में कभी परफॉर्म ही नहीं करता, ये बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेल डिजर्विंग यार, विनिंग है, उनको रिस्पेक्ट तो करते हैं डिजर्व, और पाकिस्तान भी टीम काफ़ी डिजर्व करती है रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, एटलीस्ट दे फॉट, एंड हम अगर हम अच्छी सिचुएशन में सपोर्ट करते हो तो बुरी कंडीशन में भी सपोर्ट करना चाहिए, और डेफिनेटली। और जहाँ तक इंडियन की बात है तो उन्होंने आपको भी सबको पता है कैसे खेला है, एक मैच भी नहीं हारे वो। हाँ। और दूसरा ऐसी रिस्पेक्ट वो डिज़र्व करते हैं, और जो उनके क्राउड लविंग थी तो वो तो डेफिनेटली हम सब ने देखा है, और वो वेल डिज़र्विंग थी, स्पेशली विराट एंड रोहित, हैट्स ऑफ टू देम। ये विराट और रोहित का हर कोई नाम क्यों लेता है बताए? बिकॉज दे आर करंटली किंग यार, डेफिनेटली यार उनका नाम हर कोई क्यों ना ले। तो वो तो रिटायर हो गए अब, तो याद तो रहेंगे, अफरीदी भी तो रिटायर ही हो गए। अच्छा, कैसा खेलते थे, क्यों लवर? अच्छा, पाकिस्तानियों से जब भी पूछा जाता है ना उनके बारे में तो विराट रोहित शर्मा का नाम तो हर कोई लेता है, तो ऐसा क्या है उनके खेल में जो सब लोग उनके फैंस हैं? विराट और रोहित बेसिकली, अगर मैं बात करूँ ना विराट की, और विराट और बाबर, बाबर आजम को साथ कंपेयर करूँ क्योंकि बाबर अभी नया है, विराट थोड़ा सा उससे पहले, और विराट ने तेंडुलकर की तरह आकर ना क्लास इंट्रोड्यूस करवाई है। अच्छा। और बेसिकली जो क्लास इंट्रोड्यूस करवाएगा तो वही बेसिकली नाम कमाएगा। अच्छा, और अगर हम इंडियन आवाम की बात करते हैं, वो जितना अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, वैल्यू करते हैं, वो जीतते हैं तो जश्न में मनाए जाते हैं। आपको पता है 20 से 25 लाख लोग सिर्फ सड़क पर जमा हुए थे अपने खिलाड़ियों को वेलकम करने के लिए, मैं एयरपोर्ट की बात नहीं कर रही, मैं सड़क की बात कर रही हूँ, यूँ माने जैसे ही उनकी कंट्री के अंदर क्रिकेट को रिलीजन माना जाता हो, तो उनकी ऑडियंस के बारे में क्या कहते हैं आप?
बिल्कुल इसी तरह जैसे चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान जीती थी, मुझे याद है सरफराज के घर के बाहर इतना रश था, वो भी देखा जाता है, तो डेफिनेटली हम कंपेयर कर सकते हैं। और उनकी आबादी भी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो एक रिलीजन तो लगता ही है। जैसे उनका किसी भी इवेंट के ऊपर हो तो उनकी गैदरिंग देखा जाए तो फिर वैसे ही क्रिकेट लवर तो हैं, हम भी हैं, और हमने भी चैंपियन ट्रॉफी में दिखाया था जब हम फाइनल जीते थे। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, उन्होंने भी दिखाया अपना, क्राउड ने लव किया क्रिकेट को कि उन्होंने जीता है। ऐसे ही आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, जो रिटायर हो गए हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, जिनकी वजह से आज पूरी आवाम इमोशनल हो रही है, इतनी बड़ी जो बिलियनियर्स है दुनिया में उनका नाम है, मुकेश फैमिली जो है वो इमोशनल होगी काफ़ी ज़्यादा, तो कैसा नाम बनाकर गए हैं रोहित शर्मा अपना? डेफिनेटली जिनकी वजह से बंदा क्रिकेट देखता है तो अगर वही लोग देखने को ना मिलें इंटरनेशनल क्रिकेट में तो डेफिनेटली डिसाइड तो बंदा होता है। इसी तरह अफरीदी भी जब रिटायर हुआ था तो मुझे याद है तब मैं तकरीबन 12-13 साल का था, तो डिसार्ट मैं भी हुआ था। अच्छा। तो इसी तरह करंट जो जो किंग जा रहा है तो डिसार्ट बंदा होता है। मुकेश अंबानी के बाद छोड़े, हम खुद डिसार्ट हैं विराट कोहली के रिटायरमेंट भाई किंग है डेफिनेटली। बाबर के साथ कंपेयर फिर भी बाबर को करूँगा मैं, बाबर को ही करूँगा कंपेयर, बाबर को ही करूँगा। थैंक यू सो मच।